नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज की इस वीडियो में हम भारत की जनगणना और नगरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करेंगे, जो कि जनगणना 2011 के बेस्ड पर है। आइए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में वर्तमान जनसंख्यिकीय संक्रमण सूचक है। आपके ऑप्शन है उच्च जनसंख्या वृद्धि संभाव्य परंतु निम्न वास्तविक वृद्धि का, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि संभाव्य परंतु उच्च वास्तविक वृद्धि का, ऑप्शन नंबर सी आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का, या ऑप्शन नंबर डी प्रतिरूपी वर्तमान नगरीकरण का। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया हो। आपके ऑप्शन है सकल जनाधिक, दैट इज एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन, या सापेक्षिक जनाधिक, दैट इज रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन, या सकल अल्प जनसंख्या, दैट इज एब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन, या ऑप्शन नंबर डी सापेक्षिक अल्प जनसंख्या, रिलेटिव जो है अंडर पॉपुलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया हो। तो इसका जो आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सकल जनाधिक, दैट इज एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन। जब ओवर पॉपुलेशन होगा तो उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव के वहां में कुशल संसाधनों का विकास जो है न हो पाया होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? आपके ऑप्शन है माल्थस, सिज्बिक, एडवर्ड वीट, डाल्टन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड वीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आपके ऑप्शन है सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, 2001 और 2011 के दौरान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 15% से कम थी, या ऑप्शन नंबर सी मिजोरम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, या ऑप्शन नंबर डी केंद्र शासित क्षेत्रों में से दिल्ली का महिला पुरुष आनुपातिक सबसे अधिक है। तो इसमें जो करेक्ट है, जो सही बात है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, स्टेट, ठीक है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 के अनुसार भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता जो अनुपात है वो क्या है? 14%, 14.1%, 14.2%, 14.3%। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो आयु निर्भरता जो अनुपात है वरिष्ठ आयु, वो है आपका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी 14.2%। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। द करेक्ट आंसर इज केरल। नाउ नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है केरल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज बताइए ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अधोलिखित में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है? तमिलनाडु, बिहार, सिक्किम, राजस्थान। द करेक्ट आंसर इज बिहार। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव पाया जाता है? सबसे विरल बसाव, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान। द करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 1 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या सर्वाधिक निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एशिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, हरियाणा। तो न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला राज्य है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, हरियाणा। द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 के दशक में थी 24.86%, 25.80%, 17.70%, 19.12%। तो डिकेडल ग्रोथ रेट रही 2001 और 2011 के दौरान वो कितनी थी? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 17.70%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस स्टेट की है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, नागालैंड, पंजाब। द करेक्ट आंसर इज नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी थी? दादरा एवं नगर हवेली की, मिजोरम की, त्रिपुरा की, नागालैंड की। द करेक्ट आंसर इज दादर एवं नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे विरल जनघनत्व 2011 राज्य कौन सा है? यानी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे विरल जनघनत्व राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम। द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? यानी जो लिटरेसी रेट है उस हिसाब से स्टेट का जो है वो घटते हुए बताना, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा है? आपके ऑप्शन है केरल, गोवा, गुजरात। यानी आप पॉपुलेशन जो जो लिटरेसी रेशियो है वो ज़्यादा से कम की तरफ, यानी केरल, गोवा, गुजरात, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, गुजरात, या केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, या पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, गोवा। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केरल, मिजोरम, गोवा, फिर उसके बाद त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कथनों में से कौन एक सही है? आपके ऑप्शन है भारत में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में है,
भारत में सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात हिमाचल प्रदेश में है, या भारत में सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर पश्चिम बंगाल में है, या ऑप्शन नंबर डी निम्नतम साक्षरता दर बिहार में है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज, इसमें जो बात सही कही गई वो है ऑप्शन नंबर डी कि भारत में निम्नतम साक्षरता दर बिहार में है। दैट्स इट, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग। थैंक यू गाइज़।